जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये जो आपको पोस्ट दिख रही है, इन सभी के लिए दोस्तों, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो, उनके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। और दोस्तों, साल की शुरुआत में ही रेलवे ने जो पूरी साल का अपना भर्ती कैलेंडर जारी किया था, उसमें भी इन वैकेंसीज का जिक्र किया गया था। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। इन्होंने बोला है दोस्तों, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट यानी कि ट्वेल्थ लेवल की वैकेंसीज और ग्रेजुएट कैटेगरीज, ठीक है। तो इसमें जो है वो भर्ती होना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इस भर्ती में आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व कितनी है, जोन वाइज वैकेंसीज कितनी हैं, उसके बाद में आप सर्विसमैन हैं तो इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी अपर एज लिमिट, इस भर्ती से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक स्लाइड बना के रखी हुई है। इस स्लाइड के जरिए मैं आपको बहुत अच्छे से इस भर्ती के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई है। ये है दोस्तों अंडर ग्रेजुएट पोस्ट लेवल की वैकेंसीज, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि ट्वेल्थ पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, आर्मी में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे काफ़ी सारी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज हैं उनमें दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं, सबसे पहले है दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, नंबर टू है दोस्तों कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क, उसके बाद में नंबर थ्री है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और नंबर फोर है ट्रेन क्लर्क। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें इस प्रकार हैं दोस्तों, अकाउंट क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो 361 हैं, कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क की दोस्तों 1985 वैकेंसीज हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसीज हैं, और ट्रेन क्लर्क की 68 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, जो टोटल वैकेंसीज हैं अंडर ग्रेजुएट की वो हैं 3404, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसमें दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी वैकेंसीज हैं 2684, स्टेशन मास्टर, इसकी वैकेंसीज हैं 963, उसके बाद में चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी वैकेंसीज हैं दोस्तों 1737, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1371 वैकेंसीज हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 725 वैकेंसीज हैं। तो इसमें दोस्तों जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं वो हैं 7479। तो अगर हम ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट को टोटल कर देते हैं तो 10884 जो है वो टोटल वैकेंसीज हैं। ये दोस्तों जोन वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स है। ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और अपने जोन की वैकेंसीज जिस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये 10884 वैकेंसीज टोटल हैं, उसमें दोस्तों एज पर गवर्नमेंट रूल ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं दोस्तों उनमें 10% पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें 10% एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन होता है। तो दोस्तों 10884 वैकेंसीज हैं, इस प्रकार से 1088 वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी इसमें। ओके, तो 1088 वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आपकी एज रिलैक्सेशन फॉर ईएसएम। तो अगर आप दोस्तों एक्स सर्विसमैन हैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी या फिर एससी एसटी, उसके हिसाब से आपकी यहां पर एज दी गई है। आपको एज का फॉर्मूला पता ही होगा, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं। जितनी भी आपकी एज है उसमें से आपकी सेना की सर्विस को माइनस करके उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर आपकी कैटेगरी के अनुसार 30, 33 और 35 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट की। तो इसमें दोस्तों जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है वो है 18 से 38 साल तक, उसके बाद में आपको सेम वही अपना सेना की सर्विस, अपनी एज में से सेना की सर्विस माइनस करना है और अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी जो एज है उसको देख लेना है। तो एस सी एस टी के जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए जो अपर एज लिमिट होगी 38 साल होगी, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 20 साल सेना में सर्विस की तो आप 58 साल तक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्विस पर्सनल एंड एक्स रिक्रूट्स। तो अगर आप सर्विंग पर्सनल हैं और
आगे 1 साल के अंदर आप रिटायर होने वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है, जैसे ही इसकी दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद में आपको करेक्ट डेट पता चल जाएगी कि आप कब तक रिटायर हो रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप मान के चलिए कि सितंबर 2025 तक अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स रिक्रूट्स हैं दोस्तों जो कि मेडिकल ग्राउंड पर बोर्ड आउट हो चुके हैं आर्मी से और वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेलेबल है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ESM। तो दोस्तों चाहे वो अगर आप 10th क्लास पास हैं और अगर आप 10th क्लास पास हैं दोस्तों और आपके पास में आपने सेना की 15 साल की सर्विस जो है वो कंप्लीट कर ली है और आपके पास में आर्मी का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है वो है, तो आप इन किसी भी चाहे अंडर ग्रेजुएट चाहे दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए और किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, एप्लीकेशन फीस फॉर ESM। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों ₹250 की जो है वो एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले CVT-1 होगा, उसके बाद में CVT-2 होगा, जो CVT-1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनका CVT-2 होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा और आपका लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CVT-1 में दोस्तों आपसे जो है वो इस प्रकार आपके क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस के दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। अगर आप CVT-1 में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CVT-2 के लिए दोस्तों यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT-1 के लिए दोस्तों आपको बुलाया जाएगा, उसके लिए भी आपके पास में 120 क्वेश्चन होंगे, टाइम 90 मिनट का होगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। इन दोनों ही पेपर में दोस्तों 1/3 की जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्किल टेस्ट की। अगर आप दोस्तों ऐसी पोस्ट को अप्लाई करते हैं जैसे कि क्लर्क लेवल की पोस्ट के लिए या फिर अकाउंट लेवल की पोस्ट के लिए, तो आपके लिए हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आना जरूरी है। अगर आप दोस्तों हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में आप टेस्ट देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग आना जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इनका एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जनवरी से मार्च के बीच में ALP की भर्ती निकल चुकी है, अप्रैल से जून के बीच में ये भर्ती होनी चाहिए होनी थी टेक्नीशियन की, ये भी निकल चुकी है और जुलाई से सितंबर के बीच में दोस्तों ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आनी थी, इनका आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और 30 जुलाई 2024 से इसमें एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई तो हमारी निकल ही चुकी है लेकिन सितंबर तक आपके लिए जो है वो ये वैकेंसीज रिलीज हो जाएंगी, इनका जो है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।